पीआरसी, टीआरसी और अब आरपीसी। आज की वीडियो में हम चकमाजंग इशू को लेकर जो बातें आपके और हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए वही बातें करेंगे और उन्हीं बातों को मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीआरसी, टीआरसी और आरपीसी से जुड़े सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये चकमाजंग इशू से कैसे जुड़े हैं। और आज की वीडियो, आज की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इत्मीनान से सुनिएगा। नमस्कार। चकमाजंग इशू एक डोरमेंट वोल्केनो की तरह है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसे एक खबर की तरह, एक सिंपल खबर की तरह लेते हैं और हम उस वक्त इस पर ध्यान देते हैं जब ये एक न्यूज़ आइटम की तरह एक बर्निंग टॉपिक बनकर हमारे सामने आता है। ये इशू लेकिन इतना पेचीदा है कि मैं मानता हूँ कि इस पर कोई भी यूं ही एक राय नहीं दे सकता, खास करके अगर आप इसके इतिहास से वाकिफ हैं और साथ ही आप अरुणाचल प्रदेश के हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल आइडियाज़ अपने साथ रखते हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को चकमाजंग इशू के बेस तक ले जाना है, ना कि किसी भी पार्टी, ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी या समुदाय के खिलाफ या उसके समर्थन में बात करना है। वैसे भी मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा। तो इस मामले के जड़ तक पहुंचने के लिए और इतिहास जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमें अगर किसी भी मुद्दे में अपना पक्ष रखना है या आंदोलन में हिस्सा लेना है तो पूरे मुद्दे को समझना होगा, वरना यूं ही किसी भी अनजान मुद्दे पर जाकर नारा लगाना बहुत बड़ी समझदारी नहीं कहलाएगी। हम इतना जानते हैं कि चकमाजंग बांग्लादेश से आए थे, पर वे किन हालातों में आए थे, किन कारणों से आए थे, किस परिस्थिति में और किस तरह वे अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा बन गए। ये इतिहास हमें उस समय ले जाता है जब भारत को अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1860। आप जानते हैं 1947 से पहले हिंदुस्तान एक था, मेरा मतलब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तब नहीं बना था, वो तो बाद में बने। अब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की आवाम को दो मुल्कों में, या यूं कहिए कि दो हिस्सों में बंटना था। आप जैसे कि आप जानते हैं इस कारण ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कंसेप्ट भी आया। बांग्लादेश वॉज एक्चुअली नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। आपको याद होगा अंग्रेजों ने 1757 के बैटल ऑफ पैलेसी के बाद बंगाल को कैप्चर किया था। 1860 में अंग्रेजों ने बांग्लादेश के इस वाले क्षेत्र को अपने हुकूमत के दायरे में ले लिया था। बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा समतल है, प्लेन है, और ये वाला हिस्सा माउंटेनियस है, हिली रीजन है, और बांग्लादेश का यही वाला रीजन ही हिली है। इस रीजन को चिटागोंग हिल ट्रैक कहते हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 13,295 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस क्षेत्र में उस वक्त नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में ऑलमोस्ट 50-50% का है। और इस रीजन की नॉन मुस्लिम आबादी को जुम्मा कहते हैं, अ कॉमन नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ 12-13 ट्राइबल ग्रुप्स। एंड इन ट्राइबल ग्रुप्स में चकमा ट्राइब की आबादी सबसे ज्यादा है। एंड बाय रीजन आप जानते हैं चकमास और बुद्धिस्ट। अंग्रेजों के जहन में मेरे ख्याल से एक बात हमेशा अच्छी बैठी, वो थी प्रिजर्वेशन की, और इसलिए उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरह ही बांग्लादेश के पहाड़ों में बसे ट्राइबल ग्रुप्स की भी प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दी। इसीलिए बांग्लादेश के इस पहाड़ी क्षेत्र को एक एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया, जिसका मतलब था इन ट्राइबल्स को एकदम अकेला छोड़ दिया जाए, इनकी ज़मीन में ना आप बस सकते हैं ना इनकी ज़मीन आप खरीद सकते हैं। इसी कंसेप्ट को रेगुलेट करने के लिए 1900 में चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रेगुलेशन पास किया गया। बेसिकली इसका पूरा मकसद था इन ट्राइबल ग्रुप्स को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। और 1947 तक, मतलब 1860 से 1947 तक चिटागोंग हिल ट्रैक एक एक्सक्लूडेड एरिया ही रहा। 1947 में जब एक मुल्क, खास करके हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट में दो मुल्कों में बट रहा था, तब इस चिटागोंग हिल ट्रैक के जुम्मास ने, खास करके जो चकमा कम्युनिटी है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान को, भारत को ज्वाइन करना चाहा। पर यह इतना सिंपल नहीं था, इतना आसान नहीं था। इसका कारण इस तरह है। 1905 में तब के इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत को डिसयूनिफाई करने के लिए बंगाल को धर्म के आधार पर बांटना चाहा, जिसके चलते आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट सामने आया था। अब इस पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है उसे सिलेट का हिस्सा बनाया गया। और आप जानते हैं सिलेट एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, आज भी है। तो 1947 में जब रेफरेंडम लिया गया तो सिलेट एज ए यूनिट पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, बिकॉज इट वॉज ए मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस, और चकमा इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए चकमा लीडर्स तब के हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी मिले, जिन्होंने भी चकमा या CST को भारत के अंदर लाने का उन्हें आश्वासन दिया। अब रेडक्लिफ लाइन, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, उसे या तो बहुत जल्द इफेक्टिव तरीके से पब्लिक नहीं किया गया,
या फिर जुम्मास यानी चकमास और हजौंस तक ये रेड क्लिफ लाइन की कंसेप्ट और जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंची थी। तो जुम्मास ने आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। अब ये उन्होंने गलती से की थी या जानबूझकर की थी ये तो उस वक्त के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन इसके कारण जुम्मास पर खास करके चकमास और हजों पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इतने जुर्म ढाए कि किसी की भी आत्मा कांप उठेगी। अत्याचार, कत्लेआम, बलात्कार, हैवानियत और जुर्म की हर सीमा पार हो चुकी थी। वहाँ उनका सुनने वाला कोई न था। ऐसे में भारत ने उन्हें सहारा दिया और वैसे भी तब लगभग ये एक ही मुल्क के लोग थे। ये इंसानियत और जज्बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन भावनाओं में बहकर तब की सरकार ने इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी या कोई भी शर्त नहीं रखी और ये असम के लुशाई हिल्स से होते हुए भारत पहुंचे, जो आज का मिजोरम है। इसी दौरान ईस्ट पाकिस्तान में अब चिटागोंग हिल ट्रैक्ट को एक्सक्लूडेड एरिया नहीं मानकर एक ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया। इसका मतलब था अब CHT के जमीन पर बाहर के लोग भी आकर बस सकते हैं। इसके साथ अब वहां के जुम्मास पर और ज्यादा जुल्म ढाए गए, पर्टिकुलरली चकमास और हजौंस का तो एकदम हालत खराब थी, उन्हें खदेड़ा गया वहां से। एक और जो मोर इंटेंस फैक्टर था वो था द कप्ताई डैम। ये इमीडिएट कॉज बना 1962 में जब बांग्लादेश ने कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करी। इस प्रोजेक्ट ने जुम्मास के कल्टिवेबल लैंड को समर्ज कर दिया, जिसके वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। ऊपर से जुर्म और अत्याचार। अब चकमाहाजों के पास जाने का कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम पहले से उनके खिलाफ थी, और अगर ऐसे में वे अपनी जगह छोड़कर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में चले जाते तो वे यूं ही मारे जाते। अब इस कारण वे म्यांमार और भारत के ओर आ गए और इस तरह इनका भारत में और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ और ज्यादातर वे तब के असम के लुशा हिल्स होते हुए जो आपका मिजोरम है वहां बसने लगे। अब जब तब के असम के गवर्नर विष्णु सहाय को लगा कि इससे मिजो ट्राइब और जुम्मास के बीच इतनी क्लैशेस हो सकते हैं, तो उन्होंने जुम्मास को असम के लेसर और स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट किया, जो बाद में जाकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और फिर अरुणाचल प्रदेश बना। अब यहां सेटल करते वक्त भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, कोई पॉलिसी तय ही नहीं हुई। देखिए, हम इसके लिए उस वक्त के सरकार को भी पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। शायद उन लोगों को लगा होगा कि बाद में सब कुछ यार ठीक हो जाएगा। तब देश में अलग अलग तरह की समस्याएं थी और उन चैलेंजेस के आगे ये इशू बहुत छोटी सी इशू थी, और यही कारण रहा होगा शायद कि उन्होंने सिचुएशन को इन एबेंस रखा और यही समस्या आज बहुत बड़ी हो गई है। सिचुएशन तब तक नॉर्मल लग रही थी जब तक अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनियस पॉपुलेशन इग्नोरेंट थी, लेसर एजुकेटेड थी और ऑफ कोर्स लेसर पॉपुलेटेड थी। कहते हैं जब असम का ये क्षेत्र, ये हिस्सा नेफा बनकर आया था, तब भी चकमा हजों को यहाँ प्यारसी और नौकरियां मिलती रही। 1980s में और अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन का एक रिजुविनेशन हुआ। नाबम रेबिया और स्वर्गीय जारबम गामलिन का फेज आपसू की हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेजेस रहा है। इससे पहले भी आवाजें उठी होंगी, पर नेफा से दिल्ली तक आवाज कम जाती थी, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन के इस एक्टिविटीज के बाद ये इशू नेशनल लेवल तक पहुंची। फिर एक के बाद एक मुहिम ने जुम्मास से उनके सारे इंडिजिनियस हक वापस ले लिए। आज चकमा हजों के पास ना प्यारसी है, ना रेशन कार्ड है और ना ही किसी भी तरह का अरुणाचल की जमीन पर कोई भी ऑफिशियल हक है, कानून हक नहीं। हालांकि असम, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में ये शेड्यूल ट्राइब माने जाते हैं, लेकिन मिजोरम ने भी अभी हाल ही में इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ये इनका चकमा हजोंग के नॉर्थ ईस्ट और खास करके अरुणाचल प्रदेश में आने की उनकी कहानी है। अब हाल में ये कम्युनिटीज, चकमा हजोंग कम्युनिटीज, एक सर्टिफिकेट मांग रही है जिसे रेसिडेंशियल पोजिशन सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेट की खूबी यह है कि दिस इज पर्टिकुलर टू दिस एरिया ऑफ द कंट्री ओनली एंड एक्सक्लूसिवली टू द चकमा हजोंग कम्युनिटी ऑफ दिस एरिया ओनली। आपने प्यारसी सुना होगा, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आपने त्यारसी भी सुना होगा, टेम्प्रोरी रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब ये RPC, ये नया है, रेसिडेंशियल पोजिशन सर्टिफिकेट, ये मेरे लिए भी नया है, काफी लोगों के लिए भी नया होगा।
देखिए प्यार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट किसी भी इंडिविजुअल को सर्टिफाई करता है कि वो उस पार्टिकुलर गांव, शहर या इलाके का रहने वाला है और वो उसी का निवासी है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पीआरसी रिलेट्स टू वंस बर्थ प्लेस। हालांकि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद किसी भी इंडियन को किसी भी इंडियन टेरिटरी में पीआरसी मिल सकता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। बट अगेन दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लाइक अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, यहाँ तक कि सिक्किम में भी, विच एक्चुअली डायरेक्टली मीन्स नॉन इंडिजिनियस पॉपुलेशन, नॉन इंडिजिनियस पीपल कैन नॉट गेट पीआरसी हियर। अब इसी के आधार पर चकमा हाजोंग को नॉन इंडिजिनियस मानते हुए अरुणाचल की सरकार इनसे उनकी इंडिजिनियस हक वापस ले रही है। मतलब वो पीआरसी हो या फिर रेशन कार्ड हो, उस तरह की कोई भी फैसिलिटी उन्हें यहाँ नहीं दी जा रही है, वापस ली जा रही है। अब ये कम्युनिटीज आरपीसी की मांग कर रही है, लेकिन आरपीसी से पहले जरा टीआरसी को समझते हैं। टीआरसी भी एक तरह का डोमेसाइल सर्टिफिकेट ही है, लेकिन अनलाइक पीआरसी विच इज परमानेंट इन नेचर, टीआरसी का रेजिडेंस सर्टिफिकेशन एकदम टेम्पररी है। अब किन लोगों को टीआरसी की जरूरत पड़ती है? टीआरसी उन लोगों के लिए जरूरत है जो एक जगह एक निर्धारित समय के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए टेम्पररी रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है जो तमिलनाडु में से बिलोंग करते हो या फिर पंजाब से बिलोंग करते हो और वे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सर्व कर रहे हैं, खास करके उनके बच्चों के हायर एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेशन के लिए टीआरसी की जरूरत पड़ती है। एंड दिस सर्टिफाइज कि ये फलाना इंसान अरुणाचल प्रदेश में टेम्पररीली इस पीरियड के लिए रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, एंड अकॉर्डिंगली उन्हें उनके एंटाइटल राइट्स और कोटास इसके अनुसार मिल जाते हैं। अब आते हैं आरपीसी पर। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, जुम्मा से यानी चकमा हाजोंग से अरुणाचल के लोगों ने उन्हें फॉरेनर मानकर उन्हें पहले दिए गए सारे इंडिजिनियस हक वापस ले लिए, जैसे पीआरसी है, रेशन कार्ड है, एक्सेट्रा। अब अरुणाचल प्रदेश में तो ये जॉब कर नहीं सकते, लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स में जैसे असम, मिजोरम और त्रिपुरा है, उन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ है। तो ये सेंट्रल जॉब्स जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, उन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए उन स्टेट से समहाउ एससी सर्टिफिकेट्स या फिर डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स लाकर जुम्मास अप्लाई करते थे, लेकिन ये उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। ऊपर से उन स्टेट से उन्हें हर बार सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी और ना ही अभी भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चकमा हाजोंग इनहेबिटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एरियाज हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मिलकर पीआरसी और टीआरसी से अलग एक और डोमेसाइल सर्टिफिकेट फॉर्मुलेट किया, जिसे आरपीसी यानी रेजिडेंशियल पोजीशन सर्टिफिकेट का नाम दिया गया। एंड एज आई सेड अर्लियर, जो रेजिडेंशियल पोजीशन सर्टिफिकेट है, दिस इज पर्टिकुलर टू दिस रीजन ऑफ द स्टेट ओनली, आपको कहीं भी और आरपीसी नहीं मिलेगा। अब लेटली इसी को लेकर बवाल है। चकमा हाजोंग कम्युनिटी का कहना है कि आरपीसी सिर्फ और सिर्फ उन्हें डिफेंस सर्विसेज जैसों में ज्वाइन करने के लिए चाहिए और इससे वे किसी भी तरह से वे अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनियस राइट्स या फिर अरुणाचल प्रदेश में सिटीजनशिप डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ सेंट्रल जॉब्स के लिए चाहिए। इस आरपीसी कैंसिलेशन के वजह से जो चकमा हाजोंग यूथ्स डिफेंस में गए थे, उनकी इन ट्रेनिंग जॉब्स सस्पेंड कर दिए गए हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव आरपीसी, सस्पेंड कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ के स्टूडेंट्स बोधी का कहना है कि जब चकमा हाजोंग को एक रिफ्यूजी स्टेटस देकर खास करके कत्ताई डैम इंसिडेंट के बाद अर्ली 1960s में लाया गया था, तो अब सरकार रिफ्यूजीज के लिए पॉलिसी तैयार करने के बजाय उन्हें क्यों इंडिजिनियस पॉपुलेशन के साथ मिक्स करना चाहती हैं। वैसे हमारे यहाँ जो टिबेटन रिफ्यूजीज है ना, उनके लिए एक अच्छी खासी पॉलिसी है, वे बड़े आराम से रहते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स बोधी कहती है कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि जुम्मास को भारत की नागरिकता मिले, पीआरसी मिले, एसटी का स्टेटस मिले, दर्जा मिले, बस उन्हें अरुणाचल प्रदेश की जमीन से किसी भी तरह से कोई भी डोमेसाइल पहचान नहीं दी जाएगी। नाउ दिस इज द करंट कंट्रोवर्सी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1996 और 2015 में दो बार केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया है कि वे अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा हाजोंग कम्युनिटी है उनको सिटीजनशिप दे दें, पर अभी तक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी है क्योंकि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब यहाँ का जो राज्य सरकार है वो भी अपने लोगों के खिलाफ एकदम तो नहीं जा सकती,
बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल और पेचीदा मामला है। एक तरफ दो समुदाय हैं जिस पर इतने अत्याचार, इतने सालों तक इतने जुल्म और नाइंसाफी हुई है, और दूसरी तरफ एक राज्य का भविष्य जो खतरे में आ सकता है और इसके लिए लड़ने वाले लोग। मैं इस पर रिसर्च करते वक्त भी और अब भी तय नहीं कर पा रहा हूं कि सच में क्या होना चाहिए। मैं जानता हूं मेरे इस कथन के बाद कई लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन आई रियली डोंट नो, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं है क्या होना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश से ये रिलोकेट कर भी दिए जाएं तो भी बांग्लादेश में इनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी ही नहीं है। अर्ली 1970s में जुम्मास ने अपने हक के लिए हथियार भी उठा लिए थे। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शांति बाहिनी। आज तक बांग्लादेश की हर सरकार से ये समुदाय सिफारिश करती आई है, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। मैं जब भी इस मामले में सोचता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल आते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों लाखों लोगों को जो बरसों से यहाँ बसे हुए हैं, एक साथ उन्हें उनके घर से हम अलग कर दें? जिस जमीन से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनके भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या उन्हें हम एक बार में अलग कर सकते हैं? बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, स्टूडेंट्स, क्या उन्हें हम यूं ही बेघर कर सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल की अपनी बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और उनसे आने वाले भविष्य में बहुत सारी मुसीबतें। अगर जुम्मास की आबादी इस तरह से बढ़ती गई ना, तो एक तो एकदम सच है कि एक ना एक दिन ये तो असर करेगी और आने वाले नस्ल हमसे सवाल करेगी। लेकिन हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का समाधान है। अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें हरदम ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान हैं। एक दूसरे इंसान की समस्या को देख कर, जान कर ये कह देना कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये इंसानियत नहीं कहलाएगी, दैट्स नॉट ह्यूमैनिटी। और ये कोई रॉकेट साइंस वाली समस्या तो है नहीं, बस चाहिए तो एक दृष्टि की, एक चाह की, एक विल की। लेकिन आज अगर इसे सॉल्व नहीं किया गया ना, तो कल को ये बहुत बड़ा हो सकता है और उलझ सकता है। लेकिन हमारा कानून और हमारा संविधान इतना बड़ा है कि हमें इनसे हर समस्या का समाधान मिल सकता है। मैं कोई स्पेसिफिक सजेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम भारतीय होने के नाते, आपकी तरह मैं भी यही चाहूंगा कि हमेशा मेरे देश में शांति कायम रहे। अगर सरकार चाहे ना, तो स्टूडेंट्स बॉडी के डिमांड के अनुसार जो रिफ्यूजीज के लिए स्पेशल पॉलिसी है वो तैयार कर सकती है, एक ऑप्शन है, या तो स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है, या फिर रिलोकेशन भी एक ऑप्शन तो है ही। कदम जो भी हो उनका उठना अभी बहुत ज़रूरी है, वरना गुजरते वक्त के साथ ये मसला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है और ज़्यादा उलझता जा रहा है। तो चकमा आजम इशू से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपने इशू को लगभग समझ लिया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हम भी जानना चाहेंगे। जय हिंद।